हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीएसआई न्यूज। आई तरह की बहुत जरूरी अनाउंसमेंट आ गई है। अगर आप सीएसडब्ल्यूटी के हो और जुलाई में एग्जाम देने वाले हो, आईसीएस ने आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में आपको लाइव डेमो देके बताऊंगा कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो में आगे बढ़ू से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लेना, आपको सीएस रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे तरह बैक टू बैक दे देगा। इसको डाउनलोड करना है तो आपको आईसीएस वेबसाइट पर है, लेटेस्ट आईसीएसआई सेशन के आपको क्लिक करना है। एडमिट कार्ड फॉर सीएसडब्ल्यूटी जुलाई 2024 एग्जाम पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पे आपको ये लिंक दिखेगा, लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आप इनके मेन वेबसाइट जहाँ पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। सबसे पहले आपको अपना दिखना है एप्लीकेशन नंबर, इसमें आपको अपना यूनिक आईडी होता है जिसको आप यूनिक आईडी बोलते हो या आप रजिस्टर नंबर बोलते हो या एप्लीकेशन नंबर बोलते हो, बिल्कुल तीनों सेम रहता है, 9 डिजिट का रहता है, वो आपको डालना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे और लॉगिन कर देना है, लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट निकलवा लेना है, प्रिंट निकलवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रिंट निकलवा लो आपको काम हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड में ही सब चीज़ आपकी डिटेल लिखी हुई आएगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है एडमिट कार्ड में तो कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो करना। आपको सीएस रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे चैनल बैक टू बैक देते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।